फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी तस्वीरों की वजह से हर जगह सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक न्यूड फोटोशूट करवाया था, जिसको लेकर वो काफी ट्रोल भी हुए थे। रणवीर सिंह पर न्यूड फोटोशूट को लेकर केस भी दर्ज हो गया है। रणवीर सिंह के इस फोटोशूट का जहां एक तरफ विरोध हो रहा है, तो वहीं उनके सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं है। रणवीर सिंह की पत्नी दीपिका पादुकोण इस फोटोशूट का सपोर्ट कर चुकी हैं, साथ ही कई और बॉलीवुड स्टार्स भी इसका समर्थन कर चुके हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम उर्फी जावेद का जुड़ गया है। उर्फी जावेद ने रणवीर सिंह को ट्रोल करने वालों की क्लास लगा दी। उन्होंने FIR कराने वालों के खिलाफ भी अपनी राय रखी। उर्फी जावेद अक्सर अपनी ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होती हैं। उर्फी जावेद कई बार ट्रोल्स को जवाब भी दे चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर अपनी राय रखी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने रणवीर सिंह को ट्रोल करने वालों की क्लास लगाई। उर्फी जावेद ने इंटरव्यू में उस NGO पर सवाल खड़े किए जिसने रणवीर सिंह पर केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा, NGO वाले बोल रहे हैं कि इस फोटोशूट से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि जब एक औरत को ट्रोल किया जाता है, तब ये लोग कहां गायब हो जाते हैं। बता दें, उर्फी जावेद के इस बयान के आने के बाद रणवीर सिंह के फैंस काफी खुश दिख रही हैं। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर काफी विवाद हो गया है, जहां कई हस्तियां रणवीर सिंह के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रही हैं, तो वहीं कई रणवीर सिंह के फोटोशूट का सपोर्ट भी कर रही हैं। इस लिस्ट में उर्फी जावेद के साथ साथ अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा, मसाबा गुप्ता, प्रियंका चोपड़ा, जोया अख्तर, पूनम पांडे और राम गोपाल वर्मा का नाम शामिल है। बताते चले, कुछ दिनों पहले ही रणवीर सिंह ने उर्फी की तारीफ करते हुए उन्हें स्टाइल आइकॉन बताया था, जिसके बाद से ही उर्फी रणवीर सिंह पर खूब प्यार लुटाती हैं। और अब न्यूड फोटोशूट के लिए रणवीर को ट्रोल करने वालों को उर्फी ने करारा जवाब दे दिया। वैसे उर्फी के इस बयान पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कल ही न्यूज आया कि रणवीर ने पूरा न्यूड एक फोटो शूट कराया है, तो कहां तक सही गलत मानते हैं आप? सही गलत ये तो जनता के ऊपर जाता है ना, क्या होता है मालूम है, इन लोग ने किया तो चमत्कार होता है, हाँ? और दूसरा कोई अगर ये मामूली इंसान करता ना, तो अभी तक तो आप लोगों ने उसकी बजा के रखी हुई थी मीडिया वालों ने, उनकी नहीं कर सकते ना आप लोग, हाँ? TRP मिलता है आप लोगों को, उनके बारे में नहीं बोलेंगे आप लोग, मगर ये कोई मामूली इंसान अगर रोड पे अगर ऐसा करता ना, या कुछ स्टेज पे जाके करता ना, तो अभी तक तो बवाल कर देते हम लोग, हाँ बराबर ना। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ बताया, गुजरात की पब्लिक मालूम ना एक नंबर होती है वो, तो ये सब उन लोग किधर किधर से ढूंढ के निकालते हैं और ज़बरदस्त करता है ये। उन्होंने मेरे को वो हमारे जो पेशवा जो होते थे, हाँ, उनका वो जो बताया ड्रेस, एक नंबर एक नंबर। तो ये सब ऐसे ट्रेडिशनल सब निकालना चाहिए, अभी तक बच्चों को, अभी के जो बच्चों को ना ये बताना चाहिए, पहले के जो राजा महाराजा जो पहनते थे ना, वो चीज़ दिखाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। कुछ लोगों ने फैशन के माध्यम से एक बड़ा नाम किया है, जैसे उर्फी जावेद का नाम ले लें, तो उर्फी ने काफ़ी फैशनेबल कपड़े पहने और एक बड़ा ब्रांड बन गया उसके बारे में। अभी कैसा है मालूम है, हर किसी का अपना एक ही है, तो वो उनके तरीके से उनको जो अच्छा लगता है वो पहनेंगे। मेरा ये बोलना है कि ये यूथ को ये भी बताओ, जो हमारे महाराणा प्रताप से लेके शिव छत्रपति महाराज, ये जितने पेशवा होके गए, जो जो लिबास पहनते थे, उनको भी बताओ कि ये भी पहना जाता है, सिर्फ वो पैंट मत पहनो के नीचे उतरता है वाला, ये भी पहन के देखो, ये भी ज़बरदस्त होता है। क्या फैशन का इम्पोर्टेंट? बस एक अच्छा दिखना मांगता है, वैसा पहनो, नहीं तो कुछ भी फटेले बिटेले नहीं पहनना चाहिए, समझा?